This conference will now be recorded. अध्यक्ष शनिवार सरहा अथवा मंदवा सरहा माक शुद्ध अष्टमी दिनांक 20 फेब्रुवारी 2021 माधव निदान निदान विचार शंखं चक्रं जलपान दधतमृतघटं कारुदोर्भिष्टतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशकपरिविलसन् मौनं भोजनेतरं तानां भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आदेशु पूजिताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको वृषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते शांति 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 प्रकृति अप्रकृतित्वयोगात् तथा आशयात् आशयापकर्षगर्षात् गतेश्च इति निदानम् तर्हि मधुकोशटीका अत्र समाप्ता अन्तकं तर्पणे तावत् किमपि नूतनं नास्ति निदानस्य पर्यायशब्दानः च मित्त इत्यादि पर्यायैः इति निमित्तादिभिः षड्भिः एव पर्यायैः निदानम् आहुः मुनयः इति शेषः एतच्च पर्यायकथनं शास्त्रे व्यवहाराय तत्र तत्र शास्त्रप्रदेशे निदानम् एतैः पर्यायैः बोद्धव्यम् इति एकार्थवाचकाः शब्दाः परस्परं पर्याया उच्यन्ते तर्हि न कश्चन अत्र नूतनः विचारः केवलं यत् पूर्वमेव मधुकसूचिकाकारेण उक्तं तस्यैव पुनः प्रस्तुतिकरणम् अत्र विद्यते तो निदान के बारे में जो मधुकोष्टिकाकार ने बहस की है काफी लंबी बहस की है तो इसमें आतंक दर्पण टीका में ज्यादा कुछ है नहीं वो जो बातें ऊपर बताई गई है वही अति संक्षेप रूप से नीचे भी बताई गई है तो यहाँ पे निदान के बारे में ये पूरा हो गया पूर्व रूप की जो टीका है प्रागरूपम ये न लक्षते उत्पित्सुरामयो दोष विशेषेण अनधिष्ठितः लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधीनां तद्यथा यथा तत् प्रागरूपम ये न उत्पित्सुः दोष विशेषेण अनधिष्ठितः आमयः तक्षते तो वो प्रागरूप है या पूर्व रूप है
जिससे उत्तित सो नाम उत्पादेचु जिसके उत्पन्न होने की इच्छा है इस प्रकार का आमयः रोग दोष विशेषेण अनधिष्ठितः जिसमें दोष विशेष के बारे में पता नहीं चल रहा या उसका अधिष्ठान जो नहीं है और लिंगम अव्यक्त मत्पत्वात व्याधि नाम तक यथा है और ये अल्पत्वात व्याधि है व्याधि नाम अव्यक्तम लिंग यथायथम ये अल्प होने के कारण ये रोगों का लिंग अव्यक्त इस प्रकार का लिंग है उस व्याधि के अनुसार अव्यक्त इस प्रकार का लिंग है निदानांतरीयकत्वात् पुरोरूपादीनां तदनंतरं प्राग्रूपम् इत्यादि इन्व्हेस्टिगेशन पूर्वरूपरूपच व्हायची डायरेक्टली जोपर्यंत कुछ लक्षण नाही दिखाई देते तब तक ये डॉर्मंट फेज इस प्रकार कुपितो दोषा समाप्तानुस्थानांतरण प्राप्ति विकार समुत्थान विशेष से रोग विशेष निर्माण होते रहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं और फिलहाल के जो रोग है जीवन शैली से संबद्ध ये इसी का नतीजा इस प्रकार के है लोग मानते हैं कि ये लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी उसके बारे में बहस नहीं की जाती कि लाइफस्टाइल सुधरनी है इसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता रोग होने से पहले ही रोग होने के बाद भी नहीं करते रोग होने के पहले तो कोई सवाल ही नहीं है इसके पास तो निदानांतरीयकत्वात् पूर्वरूपादीनां तदनंतरं पूर्वप्रागरूपमाह तो निदान के तुरंत पश्चात पूर्वरूप वगैरह होने के कारण निदान के बाद पूर्वरूप के बारे में कहते हैं प्रागरूपम इत्यादि द्विविधम ही पूर्वरूपम भवति सामान्यं च विशिष्टं च दो प्रकार का पूर्वरूप होता है एक सामान्य और विशेष तत्र सामान्यम येन दोष दूष्य समूर्छानावस्था जनितेन भावि द्वारादि भाति मात्रं प्रतीयते न मातादि जनितत्वादि विशेषः तो सामान्य पूर्वरूप क्या है दोष दूष्य समूर्छानावस्था जनितेन कि जिसमें दोष दूष्य समूर्छानावस्था से निर्माण होने वाला भावि ज्वरादि व्याधि मात्रं प्रतीयते ज्वर वगैरह भावी व्याधि उसका ज्ञान होता है कि अभी ज्वर निर्माण हो रहा है पांडुर निर्माण हो रहा है कास निर्माण हो रहा है वगैरह वगैरह न तो वातादि जनितत्वादि विशेषः लेकिन किंतु ये ज्वर वातज है पित्तज है इस प्रकार का विशेष इसमें ज्ञात नहीं होता ये सामान्य पूर्वरूप इस प्रकार का है यथा श्रमोरति विवरणत्वम इत्यादि जैसे सुश्रुत में बताया गया श्रमः अरतिः विवरणत्वम् ये ज्वर के सामान्य पूर्वरूप है तथा देवगुरु विप्रद्वेषादि और देवगुरु विप्रद्वेष वगैरह ये उन्माद इस प्रकार के में जो पूर्वरूप आता है इस प्रकार का सामान्याभिप्रायण एव प्रायण एव कुछ शब्द रह गया है तंत्रांतरम व्याधिर जातिर बुभूषाच पूर्वरूपेण लक्ष्यते भाव किमात्मक लक्ष्यते लक्षणेन तो सामान्य सामान्याभिप्रायण एव एतत् तंत्रांतरम तावत तंत्रांतरे तावत तो ये सामान्य के अभिप्राय से ये वर्णन है दूसरे ग्रंथ में लिखा गया है व्याधिर जातिर बुभूषाच तो व्याधि की जाति और बुभूषा यानी कि उत्पन्न होने की इच्छा पूर्व रूपेण लक्षण
तो पूर्व रूप से व्याधि कौन सा निर्माण होने वाला है और व्याधि निर्माण होने वाला है, ये दो चीजें कहते हैं भावा प्रतिमात्मक, लेकिन उसका भाव और उसका स्वरूप लक्षते लक्षणे नहीं, वो लक्षण से ही व्यक्त इस प्रकार का होता है। तो भावी व्याधि प्रबोधकम अथवा उत्पित्सुह आमयः, ये उत्पित्सुह ये विशेषण थोड़ा अजीब है, ये जनरली इच्छा तक जो है वो किसी व्यक्ति के लिए लागू होता है। जो सजीव हो वही उसकी इच्छा हो सकती है, कि इच्छा मन से जुड़ी हुई है। अब ये व्याधि निर्माण होने की इच्छा कर रहा है ऐसा कहते हैं, तो व्याधि कहाँ सजीव है जो इच्छा उत्पन्न करेगा कि मुझे निर्माण होना है इस प्रकार से। तो इसमें सजीवत्व यानी कि भावना इस प्रकार की गई है कि जैसे कि वो सजीव व्यक्ति जैसा है व्याधि। अब अभी मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ऐसा जैसा एक व्यक्ति बोलता है, उसी प्रकार से मैं उत्पन्न होने वाला हूँ इस प्रकार का व्याधि बोलता है इस प्रकार से। तो उन पूर्व रूपों के जरिए ये व्याधि निर्माण हो रहा है इसके बारे में जानकारी हो जाती है, लेकिन ये दोष विशेषण अनधिष्ठिता इस सूत्र के आधार पर ये सामान्य पूर्व रूप है ऐसा मधुकोशकार का कहना है, क्योंकि इस विशेषत्व विमणम वगैरह वगैरह ये जो वातज्वर की विशेष लक्षण है इस प्रकार से बताई गई है उसको अलग करना है। तो पहले सिर्फ एक विशिष्ट व्याधि निर्माण होने वाला है इतना ही पता पूर्व रूप से चलता है, सामान्य पूर्व रूप जिसको कहते हैं, उसी में विशेष पूर्व रूप जब हो जाता है तो ये वातज्वर है पित्तज्वर है इस प्रकार के बारे में जानकारी होती है, और ये काल का व्यवधान बहुत छोटा रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आज सुबह लगा कि मुझे ज्वर आने वाला है और 3 दिन के बाद मुझे पता चल लगा रही बात है ज्वर है इस प्रकार से, तो शायद 1 घंटे के बाद भी मुझे महसूस होगा रही बात है ज्वर के पूर्व रूप है तो मुझे बात है ज्वर होने वाला है इस प्रकार से। तो क्रम से व्यक्त हो जाना ये इसमें एक अहमियत इस प्रकार की है कि निदान सामग्री है उपलब्ध है कारण हुए है दोषो व्यापार बीच में हुआ, और दोषो व्यापार के जरिए कुछ लक्षण निर्माण हुए और वो विशिष्ट व्याधि से संबद्ध इस प्रकार के हैं, तो पता चलता है कि ये रोग उभर आ रहा है। शुरू में उसमें दोष कौन सा है इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में विशिष्ट पूर्व रूप में दोष का भी पता चल जाएगा और उसके बाद में व्याधि पूरी तरीके से व्यक्त हो जाएगा तो उसको रूप कहेंगे। तो ये सब एक टाइम फ्रेम के आधार पर होते हैं। जब ये उत्पाद का सामग्री पूरी की पूरी जो है वो एक रोग निर्माण करने के लिए तैयार इस प्रकार की हो जाती है, दोष व्यापार बीच में हो जाता है तो व्याधि का निर्माण आरंभ होता है, और उसके आरंभ के काल में ये कुछ लक्षण दोष निर्मित होते हैं। आगे आएगा भाव स्थान संशरण क्रुद्धा भाव व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति लिंगम तपोरोधकम। तो पूर्व रूप ये दोषजनित लक्षण इस प्रकार के हैं, उसके बाद में रोग की अभिव्यक्ति होती है और फिर जो लक्षण आते हैं वो रोग के होते हैं, तो एक ट्रांजिशनल फेज है ये। वैसे देखा जाए तो दोष और व्याधि इनका सिलसिला क्या है ये एक बड़ा सवाल, आगे भी उसके बारे में काफी बहस की गई है। तथा विद दोष दूष समूर्छना अवस्था विशेषो ज्वरादि रूपो व्याधि ये जो बात कहते हैं, तो
ये समूर्छनावस्था विशेष है, केवल दोष ही व्याधि है ऐसा नहीं है। आरंभवाद को लेकर ये एक अलग एंटिटी रोग की बन जाती है, और दोष से व्याधि अलग इस प्रकार का होता है। तो ये पूर्वरूपी अवस्था ऐसी है कि जो दोष से जुड़ी हुई है और फिर व्याधि की निर्मिति होती है, और रूप जो अवस्था है वो व्याधि से रिलेटेड इस प्रकार के, वो व्याधि का लक्षण है। तो ये इन बिटवीन ट्रांजिएंट फेज है कि दोष व्यापार से व्याधि व्यापार। तो ये दोष व्यापार पूर्व रूप को कारण है, लेकिन उससे व्याधि की लिंक है, क्योंकि जो उत्पित सिहु आमयः ये न लक्षते, उत्पन्न होने वाला रोग उससे पता चलता है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारे पास मरीज जो आते हैं वो रोग व्यक्त होने के बाद ही आते हैं, पूर्व रूप अवस्था में बहुत ही कम लोग इस प्रकार के आते हैं। और अगर हमें पूर्व रूप अवस्था में पता चला कि ये व्याधि उत्पन्न होने वाला है, तो शायद उसके चिकित्सा सूत्र वहां पे अप्लाई हो जाए। प्रागरूपेषु ज्वरा दवा तस्मात् कुरुवीत नन्दनम्। तो आमाशयस्तो हत्वा अग्निं सामो मार्गान पिधाय त्रिदधा तुलन दोषस तस्मात् कुरुवित लंघन प्रागरूपेषु ज्वरा दौवा। तो पूर्व रूप अवस्था में भी लंघन करें या ज्वर के आरंभ की अवस्था में लंघन करें, दोनों के लिए लंघन यही कारीगर है, क्योंकि आमाशयस्ता हत्वा अग्निं सामो मार्गान पिधाय त्रिदधा तुलन दोषा। ज्वर जो निर्माण करता है दोष, वो आमाशय से अग्नि का हनन करता है और सूत्रोत करता है वगैरह वगैरह, इन सभी कारणों के वजह से तस्मात कुरुवीत लंघन करना जरूरी इस प्रकार का है। चाहे वो पूर्व रूपावस्था यानी कि दोषण की अवस्था हो, चाहे रोग उत्पन्न हुआ है उसकी शुरुआत की अवस्था हो, तो रोग की अवस्था है, दोष की अवस्था हो तो भी और रोग की अवस्था हो तो भी लंघन करना है। इस प्रकार से सभी रोगों में इसके बारे में जानकारी मिलेगी ही, ऐसा नहीं है। चंद रोगों में इसके बारे में विवरण किया गया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये दोषों से जनित लक्षण है, तो दोष की जो चिकित्सा है दोषों पर रमण में की गई वो इसमें कारीगर हो सकती है कुछ हद तक। एक विशिष्ट व्याधि उभर आ रहा है, ऐसी स्थिति है तो उस व्याधि में अगर पूर्व रूपावस्था बताई गई हो और उसके लिए कुछ चिकित्सा बताई गई हो, तो वो वहां पे करनी है, उसमें कोई संदेह है इस प्रकार की नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि कौन सा व्याधि निर्माण हो रहा है इसका पता न चले, और बाद में जब पूरी अभिव्यक्ति व्याधि की हो जाएगी तो पता चला रे ये व्याधि है इसके पास। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोच कर आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना है। तो व्याधिर जातिर बुभूषा च पूर्व रूपेण लक्षित। तो जाति इस प्रकार का व्याधि निर्माण हो रहा है, और बुभूषा भवितुम इच्छा, बुभूषा इस प्रकार से कि उत्पन्न होने की इच्छा आकांक्षा, और वास्तव में ये सजीवों का लक्षण है इच्छा आकांक्षा। व्याधि को हम क्या समझेंगे, व्याधि वास्तव में बुद्धिस्थीकृत पदार्थ है इस प्रकार। जो भी घटनाएं शरीर में हो रही है उसका सही ढंग से अर्थ निकालना यह हमारा कर्तव्य। तो वास्तव में ऐसी कुछ चीज है क्या, ये व्याधि है इसको हम मारते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है। हम केवल दोषों की एक परिणत अवस्था को व्याधि के रूप में जानते हैं,
हमारी बुद्धि से जानते हैं, तो इसलिए ये बुद्धिस्तिक को तो पदार्थ है, ये ज्ञान है। अगर षट पदार्थों में इसको कहाँ डाले, ये अगर मुद्दा आता है, तो वास्तव में ये ज्ञान में आएगा, और ज्ञान बुद्धि या आत्मा का गुण है। तो मुझे ज्ञान होता है, मरीज को ज्ञान होता है, ये जो चीजें हैं, वो व्याधि का स्वरूप ज्ञान इस प्रकार का है, जो भी हो रहा है, जो भी लक्षण हो रहे हैं, पूर्व रूप हो रहे हैं, रूप हो रहे हैं, ये सब नतीजा है दोष दुष्ट समूर्छना अवस्था का, वस्तुओं के। और फिर उसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, हाँ वास इन कारणों से बड़ा हुआ है और ये उसका स्वरूप है और इसके लिए ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और फिर उसको ट्रीट करने के लिए ये करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये केवल एक ज्ञान की प्रक्रिया है, व्याधि ये जो है, और चिकित्सा भी ज्ञान की प्रक्रिया है। जब हम चिकित्सा देंगे, साक्षात द्रव्य का प्रयोग करेंगे, तो जिस उद्देश्य से हमें चिकित्सा की है वो सफल होता या असफल होता हुआ दिखेगा इस प्रकार का। जब तक चेतना है तब तक व्याधि होगी, और चेतना वाला व्यक्ति ही उसकी चिकित्सा कर पाएगा, यह अभिप्रेत होगा क्या? वैसे तो है, जो हमारा जो अधिष्ठान है तो षड्धात्मक पुरुष इस प्रकार का है, शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमाभूत विकार समुदाय प्रथम समुदाय समयोगवा। ये सभी जो आयुर्वेद का विषय है वो चेतनाधिष्ठित शरीर के बारे में ही है, चेतना ही है तो कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। तो ये बैकग्राउंड में ध्यान में रखना ही है कि चैतन्य है तो ही जीवित का विचार कर सकते हैं, जीवन का विचार। चैतन्य ही नहीं है तो जीवन का विचार ही नहीं है। अब ये अचेतन द्रव्य जो सृष्टि में पड़े हुए हैं इस प्रकार से, उनमें भी ये मानते हैं कि चैतन्य है, अव्यक्त है, इतना ही उनका कहना है, और इंद्रियों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब व्याधि के बारे में, हाँ, एक जीवित की कल्पना कैसे की जाती है, ये एक आम मुद्दा इसमें रहेगा। एक व्यक्ति की कल्पना या फिर जैसे बाकी लोगों की इच्छा आकांक्षाएं होती है, इस वैसे इसकी उत्पन्न होने की इच्छा है। या इच्छा का संबंध कहाँ से आया? चैतन्य है तो ही मन है तो ही इच्छा है। तो ये रुद्र प्रकोप प्रभव व्याधि है, तो वहां से चैतन्य से ही आरंभ हुआ है। एक तरीके से मैंने सोचने की बात की कि बुद्धिस्ती को तो पदार्थ है, हम ही उसको उस प्रकार से समझ लेते, अक्षांश रेखांश वस्तु भी नहीं है, फिर भी हमने परिकल्पना एक ही कि इस प्रकार का अक्षांश रेखांश है, और फिर गूगल मैप में ये लॉन्जिट्यूड वगैरह वगैरह इस प्रकार के हैं, उसके आधार पर स्थान निश्चित कर पाते हैं। उसी तरीके से ये लक्षण होंगे तो ये व्याधि होगा, इस प्रकार से शुरुआत होगी, इस प्रकार की अवस्थाएं होंगी वगैरह वगैरह, ये सबने सब हमने डिसाइड किया है, ऋषि मुनि ने डिसाइड किया है, हमने नहीं किया, ऋषि मुनि ने डिसाइड किया। लेकिन ये हमारे बुद्धि का खेल है कि इसको इस तरीके से समझा जाता है। दूसरी तरफ रुद्रकोप प्रभव इस प्रकार से सभी रोग है, तो वहां तो जीवन था, रुद्र ने कोपाविष्ट होकर इन सभी का निर्माण किया, और जब
यज्ञ का विध्वंस हो गया तो अब क्या करेंगे, तो तुम प्राणी मात्रा में जाकर रूप बनो, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो वहां तो चैतन्य इस प्रकार का है। तो ये भी एक बात हो सकती है कि ये कारण है, इस प्रकार से इस तरीके से ये उत्पन्न हुआ है। तो इसमें चैतन्य इस प्रकार का है। इस तरह व्याधि को संबोधित करने का, तो जैसे कि ये बात इस प्रकार की हो सकती है कि उसकी अपेक्षा है, आकांक्षा है निर्माण होने की। मैंने एक सुना था कि गुजरात में कहीं पे ये कुत्ते की देवी का मंदिर है, और जो भी इस प्रकार से कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया होने की संभावना होती है तो लोगों को उस मंदिर में लेके जाते हैं। वहां कुछ देवी को पूजा अर्चना की जाती है, कुछ प्रसाद वगैरह दिया जाता है, वो व्यक्ति को भी खिलाया जाता है, और फिर वो ठीक होता। सोलापुर के नजदीक के कुआं है, उस कुएं का पानी लोग पी सकते हैं कुत्ता काटने के बाद भी, और बच जाते हैं। अब ये देवी का स्वरूप कहाँ पे आया कि कुत्ता काटने से जो हाइड्रोफोबिया, जल संतरास इस प्रकार का होगा, उसके लिए एक अलग मंदिर गुजरात में है, और लोगों का, काफी लोगों का अनुभव है कि इससे आदमी बच जाता है। अभी हमारे पुणे में तो नायडू अस्पताल में दाखिल करते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं, आइसोलेट करते हैं और मरने देते हैं, काफी कुछ नहीं। अब जो यही सिलसिला सभी सिविल हॉस्पिटल्स में है। ईश्वर खुद के बच्चों में व्याधि उत्पन्न करो, ऐसे कैसे कह सकते हैं रुद्र कृपा संदर्भ में। ऐसा है कि गलतियां होती रहती है, प्रज्ञापराध ये सबसे आम कारण है, और देव देवताओं से भी गलतियां होती है। इंद्र के बारे में तो काफी इस प्रकार के उदाहरण प्रचलित में है, अहिल्या का सबसे बड़ा उदाहरण। तो इनसे गलतियां अगर होती है तो उन्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी, ये निश्चय निश्चित इस प्रकार का है। तो परस्य दंडन मोक्ष मोद्यच्छेत, दूसरे पर दंड नहीं उठाना है, लेकिन उसके अपवाद दिया है, अन्यत्र पुत्रात् शिष्यात् वा शासनार्हात् हिताशय, ये अष्टांग संग्रह में सूत्र है। एक पुत्र और शिष्य, इन दोनों को छोड़कर उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो गलत कदम उठाते हैं तो वो शासनार्ह होने चाहिए कि उन्होंने कुछ गलती की है और उनके लिए, उसके लिए उनको सजा देनी जरूरी, देने की जरूरत है। और हिताशया, जो सजा देने वाला गुरु है या पिता है, उसके मन में यह होना चाहिए कि ये मैं इसके हित के लिए करता रहा हूं, कर रहा हूं, ताकि ये फिर से ये भूल नहीं करे आगे जाकर। तो शासनार्ह होना चाहिए और हिताशय होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो मेरे मैंने किताब में लिखा है, मदर नेचर जो निसर्ग है वो एक माँ जैसा है। माँ प्रेम देती है लाड़, हमारे लिए एक अहम चीज इस प्रकार की होती है। लेकिन अगर हमसे गलती होती है तो माँ डांटती भी है, सजा भी देती है इस प्रकार से। तो उसी तरीके से निसर्ग एक अद्भुत माँ है। जब तक आप नियमों से बंधे रहे हो, ठीक तरीके से व्यवहार कर रहे हो, खाना पीना ये सब उचित हो रहा है, तब तक तुम्हें माँ का प्यार मिलता है और तुम स्वस्थ रहते हो, नैसर्गिक अवस्था में रहते हो इस प्रकार से। लेकिन जब तुमसे भूल हो जाती है तो माँ पहले सजग करती है, कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं,
तो ये समझ लेना है कि हमारी कुछ गड़बड़ हो रही है, भूल हो रही है, इसलिए लक्षण निर्माण हो रहे हैं। तो उन कारणों को ढूंढना है, उन कारणों को टालना है। लेकिन अगर हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ उपाय ढूंढेंगे नहीं, और वही सिलसिला चलता रहे, वही भूल करते रहे, तो व्याधि हो जाता है, रोग उत्पन्न हो गया। तो अब तो संभालो, अब तो कारणों को दूर करो, नैसर्गिक रूप से जीवन क्रम आरंभ करो वगैरह, फिर भी नहीं होता है। तो रोग बढ़ जाता है, मरने का जीने का सवाल उत्पन्न हो सकता है, और मृत्यु का भय निर्माण हो सकता है। तो उस अवस्था में भी अगर आप जागेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से मृत्यु रूपी सजा मिल जाती। लेकिन अगर हम शुरू से ही सावध इस प्रकार से हो जाएंगे, समझेंगे कि हाँ, ये मेरी कुछ गड़बड़ हो रही है, भूल हो रही है, और उसको मुझे सुधारना है। कल की बात थी कि लिवर सिरोसिस का मरीज था, बहुत सारे वर्षों से मद्यपान चल रहा था, अब 1 महीने से छोड़ा है। इस प्रकार से लेकिन पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है, कभी कभी कर लेता है। तो मैंने कहा कि एक फैमिली का फोटो लगवाओ, कराओ, अपने मोबाइल में रखो। लड़का 15 साल का है, तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि लड़का अडिक्ट बने, तो तुम्हें छोड़ना है। तो जब भी कभी पीने की इच्छा होती है, तो वो पहले फोटोग्राफ देखने का, और मेरा फोटोग्राफ लोगों को देखना पड़ेगा, मेरे परिवार को। ऐसा नहीं होना है तो मुझे बच के रखना। इस प्रकार तो ये प्रज्ञापराधी है कि सब कुछ जानकर भी धृति बिभ्रंश होने के कारण नियंत्र महिला अर्थात धृति नहीं होती है, और अहित अर्थ से हम अपने को बचा नहीं सकते। तो ये एक सामान्य नियम है, यूनिवर्स का नियम है, यह एक सत्य है, जो जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार से तुम बर्ताव करोगे, उसी प्रकार का तुम्हें फल प्राप्त हो। अब जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो इस्तेमाल हो रहा है, हम भूमि को, सभी पेड़ पौधों को, सभी प्राणियों को विष ही दे रहे हैं, तो हमें वापस क्या मिलेगा? विष ही मिलेगा ना, जहर ही मिलेगा। हाँ, हम वहां से अमृत की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो जो उनका खाना है ही नहीं, जो उनके लिए एक जहर है, वो अगर हम पृथ्वी को दे रहे हैं, हमारी मदर नेचर को दे रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, और पेड़ पौधों को, प्राणियों को दे रहे हैं, तो उनसे वापस हमें क्या मिलेगा? तो ये सबसे अहम मुद्दा होता है कि इस प्रकार की भूल होती है, और उस भूल से सवरने के लिए सजा का प्रबंध, ये भूल न करे इसके लिए सजा के बारे में बताया जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता है ना कि हाँ, मुझे उसका अभी भय नहीं रहा। हाँ, अभी की न्याय व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है
न्याय कहाँ किसको मिलता है, ये एक अजीब सिलसिला है। अभी न्यायमूर्ति गोगोई ने मैं न्यायालय में नहीं जाऊंगा, मैं वहां न्याय मिलता नहीं है, सब कुछ न्यायमूर्ति कह रहा है। तो आम लोग इसके इससे क्या समझेंगे? इडा नाडी चंद्राशी संबंधित आहे आणि पिंगला नाडी सूर्याशी संबंधित आहे, म्हणजे असंतुलन झाल्यास का सुषुम्ना नाडीवर स्थिर नसताना व्याधी निर्माण होतो असे योगशास्त्रानुसार म्हणू शकतो का? ते अलगही है। ये वास्तव में असंतुलन ही है। बात कफ के बारे में कहेंगे, सत्व रजस तमस के बारे में कहेंगे, एड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में कहेंगे। एक सृष्टि में हार्मनी है, एक प्रकार का संतुलन है, और वो संतुलन जब तक बना है तब तक सभी सुचारू रूप से चलता रहेगा। संतुलन एक बार बिगड़ गया तो ये उत्पात, नैसर्गिक उत्पात जिसको कहते हैं, वो होते रहते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, बारिश होती है, बहुत सारी चीजें इस प्रकार होती रहती है। तो इनके जरिए हमें सजग होना है, और हम निसर्ग का एक हिस्सा है और हमें निसर्ग के अनुसार चलना चाहिए। ये सबसे अहम है। ये सब बदल गया और ये कारण है अभी के विविध दुखों का, केवल रोग रूपी दुख नहीं बाकी भी दुखों का। एक पेशेंट से रिलेटिव चौकशी करायला आले होते दारू सोडण्यासाठी, सोडवण्यासाठी काही औषध देता येईल का? यात संकल्प तर रोल असेल, पण औषधी चिकित्सा काय काय देता येईल? काउन्सिलिंगला पेशंट सगळं ऐकतो, पण मद्याची इच्छा झाली की पुन्हा पहिल्यासारखं सुरू होत। ये तर काफी कॉमन है। रसिक पावसकर का अनुभव है की महाकल्याण का कृत्य देने से धीरे धीरे इच्छा कम होती है पीने की। अभी द्रव्यों के द्वारा इस प्रकार से करना, ये एक बात हो सकती है, और दूसरी बात काउंसलिंग, अच्छा माहौल वगैरह वगैरह। पांडुरंग शास्त्री आठवले का कार्य बहुत बड़ा है इस क्षेत्र में। वैसे डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे मच्छीमार उनके भक्त हैं, और बहुत सारे मच्छीमारों की इस प्रकार की शराब की आदत छूट गई है पांडुरंग शास्त्री आठवले के केवल प्रवचन से। तो ये भी एक बात है, अगर आपकी किसी पर श्रद्धा है तो उससे भी बात हो सकती है। अभी नाणीज में भी नरेंद्र महाराज के पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं दारू छुड़वाने के लिए, और बहुत लोगों का अनुभव किया है दारू छुटती है इस प्रकार से। तो सभी का मूल कारण प्रज्ञापराध है, और प्रज्ञापराध को हम कैसे देखेंगे, प्रज्ञापराध के बारे में किस प्रकार से काम करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये था कि अभी तो एलोपैथी रोग को केवल मैकेनिकल समझकर चलेगी, केवल भौतिक के आधार पर चलेगी। वो साइकोलॉजी के बारे में भी सोचते हैं तो भी भौतिकता के आधार पर ही सोचते हैं, और ड्रग्स देकर सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलवाते हैं, और होता है, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स देने से, साइकोट्रिक ड्रग्स देने से डिप्रेशन काबू में आ जाता है वगैरह इस प्रकार से, या मूड एलिवेटर्स है तो मूड चेंज होता है। तो ये केवल भौतिक का ही संबंध है या एक आउट स्तर है, आध्यात्मिक स्तर इस प्रकार का है जिसके बारे में अलगता से सोचना है, जो आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार। तो सत्व रजस तमस ये सभी के लिए है, और सत्व गुणोद्रेक होगा तो ये सब बातें दूर हो सकती है, लेकिन अगर हम रजस और तमस के अधीन हो जाएंगे तो ये नौबत आती रहेगी।
ठीक है, एक चीज को देखने के अनेक पहलू हो सकते हैं। तो उत्पित्सु इस शब्द मैंने कहने का प्रयास किया कि ये सजीवता का एक पहलू है, रोग की सजीवता का एक पहलू है, जिसका शायद संबंध रुद्र प्रकोप वगैरह से हो सकता है। अभी तो मॉडर्न साइंस में ये सब केमिकल्स का नतीजा है, ऐसा ही मानते हैं, और केमिकल्स ही देते रहते हैं, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो ठीक है, हमें सोचना है कि वास्तव में इस प्रकार से क्या है और उसके बारे में सोचते रहना है। और जैसे मैंने अभी प्रकृति माँ, निसर्ग रूपी माता, ये जो मैंने बात कही, उसके बारे में जिक्र होना जरूरी है। मुझे आश्चर्य लगा सासवड में, खड़द में, ये जो फार्म है, वहां निसर्ग देवता का मंदिर है। मैंने पहली बार इस प्रकार का निसर्ग देवता का मंदिर ये देखा, जहां पे हमारा गुरुकुल हुआ था। तो एक देवता की कल्पना उसके बारे में की गई है। माँ की कल्पना तो बहुत सारे लोगों ने की है इस प्रकार से। तैतीस कोटी देव असं हाँ, 33 कोटी देव आणखी नाही वेगळा तुम्हाला जी कन्सेप्ट आवडली त्याचं तुम्ही देव बनवा आणि त्याचं तुम्ही श्रद्धा लावा आणि तुम्ही तिथून नहीं, तुमचं भावतोची देव ये भी है, असं म्हणतात मंत्रे की तीर्थे द्विजे देवे देवेन्ने महेशजी गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृश, ये पंचतंत्र में आया है एक्चुअली। देव कन्सेप्ट आत्मा जो धर्मात नाही आपण आपला जनरेट करून आपण असं देव आणि धर्म अजनाने लागलो। ये सभी बुद्धि का खेल है या नहीं, ये एक और चीज है। वैसे ईश्वर प्रणिधानात भा योग सूत्र आता है, तो ईश्वर प्रणिधान से भी ये होता है, ये तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम वगैरह वगैरह, ये भी सूत्र आगे इसके बारे में आए हैं। और तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम, ईश्वर जो है उसमें निरतिशय सार्वज्ञ बीज इस प्रकार का है। लेकिन मोक्ष के मार्ग में ईश्वर प्रणिधान एक स्टेप है या फिर एक तरीका है, ईश्वर प्रणिधान अब्बा इस प्रकार से। असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करने के लिए ये इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन अंतिमता, लेकिन ईश्वर में ईश्वर की भक्ति करते हैं द्वैत भाव है, मैं अलग हूं ईश्वर अलग है, मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं। आगे जाकर वो परमात्मा तत्व ईश्वर ही है और मैं ही परमात्मा तत्व हूं, तो मैं ही ईश्वर हूं। तो यह अद्वैत से अद्वैत में चले जाना काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। हमारा मकसद क्या है, अंतिम मकसद क्या है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और योग का मार्ग तो ज्ञान मार्ग है, लेकिन अगर उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं या बहुत कठिन मार्ग है इस प्रकार से है, तो शायद भक्ति मार्ग अच्छा है, थोड़ा आसान है इस प्रकार से। लेकिन भक्ति तो निरतिशय होनी चाहिए। न हमारी भक्ति होती है न ज्ञान होता है, तो हम ऐसे ही भटकते रहते हैं, किसी एक मार्ग में नहीं चल सकते इस प्रकार से। तो हमसे ऊपर कोई है सर्वशक्तिमान, ऐसे अगर कल्पना करते हैं, और हमारे बंधन है, हम उतना उस तरीके से कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ही इस किसी के बारे में हम सोचेंगे। और श्रद्धा का एक अलग महत्व है, उसमें संदेह नहीं है। अभी अंधश्रद्धा को
ठुकराते समय श्रद्धा को भी ठुकरा देना, ये पूरी गलत बात है। और विज्ञान पे भी अंधश्रद्धा होती है, ये भी एक अजीब बात है इसमें। तो ठीक है, काफी अलग अलग इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन बुभुषा या उत्पित्सु ये जो शब्द प्रयोग रोग के लिए बताए गए हैं, ये काफी अजीब इस प्रकार के हैं। और हमें जैसे हम एक व्यक्ति को समझ लेते हैं, उसी प्रकार से हमें एक रोग को समझ लेना है अपने तरीके से। ये क्यों निर्माण हो रहा है इस प्रकार से, ये उत्पन्न उत्पन्न होने की आशंका, उत्पन्न होने की इच्छा, इसको क्यों है, मैं ही उसका जिम्मेदार हूं। मेरी ही जो भूले हुई है उनके जरिए ये निर्माण हो रहा है, और अगर मुझे ये कष्ट देने वाला है तो ये निर्माण ही न हो, इसके बारे में मैं प्रयास करूं। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो नाचित वा साध्य मामयम, जब तक साध्य रोग को हम जीतेंगे नहीं तब तक दूसरा कुछ कार्य नहीं करेंगे, ये जो वाग्भट में सूत्र लिखा है वो उसको भली भांति हमें करना है, व्यवहार में लाना है। नहीं तो चरकाचार्य ने बताया है कि प्राण्यो रोगे समुत्पन्ने दोगेषु तरुणेषु वा, उत्पन्न होने पर या तरुण रोग होने पर भी उसकी चिकित्सा कर लेता है, लेकिन जो अन्य है मूढ़ है वो उस समय दुर्लक्ष करता रहता है, और जब व्याधि बहुत ही बढ़ जाता है और अब मरने की आशंका हो जाती है तो सर्वस्वेना भी मेरी कश्चित भिषकानी अर्पामि थी, तो मेरा सर्वस्व ले लो लेकिन कोई वैद्य को बुलाओ, इस प्रकार किसी वैद्य को बुलाओ। और उस स्थिति में कौन वैद्य उसको बचा सकेगा। तो ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी कि जैसे हम दूसरे व्यक्ति को समझ लेते हैं उसी प्रकार रोग को समझ लेना है। ये पराराधना पंडित ये जो बात कही गई है, दंत थेवान वर्ते तो पराराधना पंडित यो यथा परिदृश्यते, तो एक व्यक्ति जैसे समझकर उसके बारे में सोचना है, ये एक इसमें अहम इस प्रकार का रहेगा। तथा पराशरः पूर्वरूपं नाम ये न भावि व्याधि विशेषो लक्षते न तो दोष विशेषः। तो पूर्वरूप जो है वो है जिससे भावी व्याधि ही विशेष के बारे में जानकारी होती है, किंतु दोष विशेष उसमें पता नहीं चलता। ये केवल सामान्य पूर्व रूप के हैसियत से बताया गया है, विशेष पूर्व रूप में तो दोष व्यक्त हो जाता है और व्याधि का कौन सा प्रकार उभर आ रहा है, वात जज हो रहे हैं वगैरह, ये तो व्यक्त इस प्रकार का हो जाता है। एक ट्रांजिएंट फेज है पूर्व रूप, ये दोष और व्याधि इनमें से एक परिवर्तन वाली इस प्रकार की अवस्था है कि दोषाधिकार अब खत्म होने वाला है और व्याधिकार शुरू होने वाला है, ये इंडिकेटर है। और इस अवस्था में दोष की चिकित्सा करने से फायदा होगा, लेकिन जो व्याधि निर्माण हो रहा है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो उसके अनुसार इसकी चिकित्सा होनी है। विसर्प जैसे रोग में आदा विसर्प पेशु हितम लंघन रूक्षणम, ये जो लंघन और रूक्षण की बात आती है, नहीं तो पित्त के द्वारा हो रहा है तो घृत देना है, घृत ऊपर से लगाना है, ऐसा हम सोचेंगे। और वहां स्नेहनन नतु, लंघन और रूक्षण देना है, स्नेहन नहीं देना है, कैटेगरी के लिए बताए। तो उस समय में हम ये विसर्प उत्पन्न होने जा रहा है, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसको देखना ही है, और वो सोच समझ कर क्या देना है क्या नहीं देना है ये सोचना है। तो अगर हमें स्पष्ट रूप से अगर ये पता चल जाता है कि ये इस प्रकार का व्याधि निर्माण हो रहा है, तो दोष और व्याधि दोनों को ध्यान में रखते हुए
चिकित्सा की जाएगी और वो यशस्वी इस प्रकार की होगी। विशिष्ट यथा पुरक्षतादो लिंगान्य वातजान्य अव्यक्ता विशिष्ट पूर्वरूप जो है तो पुरक्षत वगैरह में वातादिजानी लिंगानी यानी अव्यक्तानी, लेकिन वो अव्यक्त इस प्रकार है, ज्यादा ईषद व्यक्त है, ज्यादा व्यक्त नहीं है। अगर ज्यादा व्यक्त हो जाएगा तो रूप ही हो जाएगा। यदुत्तम तत्रैव अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम्, कि इसका अव्यक्त लक्षण पूर्व रूप इस प्रकार का कहा जाता है। और काफी रोगों में इसी प्रकार का सिलसिला चलता रहता है। तथा सुश्रुता सामान्य तो विशेष अब्तु जुर्मान्त्यर्थम सदीर्णात् पित्तम नयने और दाहः कफादन्ना रुचिस्तथा। तो सामान्य तो ये श्रमोरतिर्विवरणत्वम ये सामान्य पूर्व रूप इस प्रकार के हो गए। विशेषत्व जुर्मात्यर्थम समीरणात्म, अगर वातज ज्वर है तो जुर्मा बहुत ज्यादा होती है, पित्तम नयने उदाह पित्त से नेत्र दाह कफादन्ना रुचिस्तथा। कफ से अन्ना रुचि ये लक्षण इस प्रकार के पूर्व रूप के हैसियत से होते हैं। अगर ये अल्प मात्रा में है अव्यक्त है तो उनको पूर्व रूप कहेंगे, अगर ये व्यक्त हो जाएंगे तो उनको रूप कहेंगे, इतना ही इसमें अंतर रहेगा। ये थोड़ा काल का भेद है, ये पूर्व रूप पहले होते हैं और बाद में रूप इस प्रकार के होते हैं। हरिते भी उक्तम इति पूर्वरूपम अष्टानाम ज्वराणाम सामान्यतः विशेषतस्तु जुर्मांगवर्द भूयिष्ठ मातृत्वयत्वे की वात सिद्धित। तो ये पूर्वरूप है अष्ट ज्वरों का सामान्यतः विशेषतस्तु जुर्मा अंगमर्द भूयिष्ठ हृदयद्वे, जुर्मा अंगमर्द भूयिष्ठ और हृदय में उद्वेग निर्माण करने वाला अगर होता है तो वातज ज्वर का पूर्वरूप है ऐसा समझे। अत्यर्थं व्यक्तत्वं ततश्च जुर्मादेरपि रूपत्वं प्रसज्येत यद् वक्षति तदेव व्यक्तता ज्ञातं रूपम् इत्यभिधीयते। अगर ये ज्यादा ही व्यक्त हो जाएगा ननु से शंका उत्पन्न की जाती है, सवाल पूछा जाता है कि अगर ये ज्यादा व्यक्त हो जाएगा तो जुर्मादि का भी रूपत्व प्रसंग आ जाएगा कि उसको भी रूप कहना है, ऐसा करना पड़ेगा। यद वक्षति तदेव व्यक्तता ज्ञातं रूपम् इत्यभिधीयते, वही अगर व्यक्त हो गया तो उसको रूप कहते हैं, उच्चते। यथा ब्रह्माश्रमादयः इतर रोग व्यतिरिक्तं भावि ज्वर मात्रं बोधयन्ति न तु वाततत्वादि विशेषं इत्यतः तेषां अव्यक्तत्वं, तथा पित्तादि ज्वर व्यतिरिक्तं भविष्यत् वातज्वर मात्रं बोधयन्ति जुर्मादयः न तु वातस्य रुक्ष शीत धातु क्षय आवरणादि जन्यत्व रूप विशेषं बोधयन्ति। ये अजीब ही स्पष्टीकरण है थोड़ा सा। न तो आतत्वादि विशेषम इत्यतः तेषां अव्यक्तत्वम्, तो ये शब्द चल है अव्यक्त है, कहाँ तक अव्यक्त है, क्या क्या अव्यक्त है, इसके बारे में बहस इस प्रकार की जा रही है कि जब सामान्य पूर्व रूपावस्था है तो ज्वर ही निर्माण होने वाला है, बाकी व्याधि निर्माण नहीं होने वाला, स्पष्ट हो जाता है। उत्पन्न होने वाला व्याधि ज्वर है इतना इसमें स्पष्ट इस प्रकार का हो जाता है। तो बहुत सारे व्याधियों की निर्माण होने की संभावना है, उसमें से सिर्फ ज्वर ही निर्माण हो रहा है, यह सामान्य पूर्व रूप से बात पता चलती है। न तो वातजत्वादि विशेष, लेकिन ये वातज ज्वर है पित्तज ज्वर है इस प्रकार के विशेष उसमें ज्ञात नहीं होते, इत्यतः तेषां अव्यक्तत्व, इसलिए वो अव्यक्त इस प्रकार का। तथा पित्तादि ज्वर व्यतिरिक्त भविष्य वातज्वर मात्र बोधयन्ति जुर्मादयः, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, अभी जुर्मादि दिख रहे हैं। तो अष्ट ज्वर जो है उसमें से फिर वातज्वर ही निर्माण हो रहा है ऐसा पता चलेगा, बाकी पित्त ज्वर वगैरह जो है वो निर्माण नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से अव्यक्तत्व है वातज ज्वर का भी इस प्रकार से, और सिर्फ वातज ज्वर निर्माण होने वाला है इतना ही पता इसमें चलेगा,
बाकी निर्माण नहीं हो रहे हैं। न तो मात्र से रूक्ष शीत धातु क्षयावरण दि जन्यत्व रूप विशेषण बोले वात के रूक्ष शीत ये गुण धातु क्षय आवरण आदि गण्य इस प्रकार के कारण ये निर्माण हो रहा है ये सभी पता उस समय में नहीं लगता। अब व्यक्तावस्था में इस प्रकार का पता लगता है नहीं लगता है ये अजीब है थोड़ा सा। वैसे देखा जाए तो निदान पहले बताया गया है और निदान के जरिए किस प्रकार से लक्षण हो या रोग उत्पन्न होने वाला है उसके बारे में कुछ पता चल सकेगा। अगर रूक्ष शीत वगैरह हेतु सेवन से वात प्रकोप है और उसके कारण निर्माण हो रहा है तो इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा कि वातज्वर निर्माण हो रहा है ये स्पष्ट होगा, लेकिन ये रूक्ष शीतादि से वातज्वर निर्माण हो रहा है या हमें व्यक्तावस्था में भी या रूपावस्था में भी प्रतीत होता है क्या केवल लक्षणों से, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और वो अधिक व्यक्त हो जाता है इसलिए उसको रूप कहते हैं और अव्यक्त है इसलिए पूर्व रूप कहते हैं। और उसमें भी दोषज विशेष अगर जब तक नहीं पता लगता वो सामान्य पूर्व रूप है, दोषज विशेष पता लगने पर विशेष पूर्व रूप है और उससे अधिक व्यक्त हो जाए तो रूप है, इतना ही है वास्तव में। वातजत्वादी जो विशेष है उसमें रूप शीत वगैरह ये रूपावस्था में जाने से ध्यान में आएंगे ये मुश्किल है बताना, उसको समझने का अलग तरीका इस प्रकार का है। तो वास्तव में जब हम पूर्व रूप कहेंगे तो अव्यक्त ही कहेंगे, व्याधि के लिंग ही अव्यक्त ये पूर्व रूप अवस्था में होते हैं, उसमें भी विशिष्ट रोग निर्माण होने वाला है सामान्य पूर्व रूप उसमें दोष विशेष नहीं समझते और विशिष्ट दोष से उत्पन्न वो विकार निर्माण हो रहा है ये विशिष्ट पूर्व रूप, लेकिन फिर भी वो अव्यक्त ही है और इसीलिए उसको पूर्व रूप कहते हैं, वो व्यक्त हो जाएगा तो उसको रूप कहेंगे। तो ये थोड़ा सा शब्द छल इस प्रकार से है, भली भांति अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये रूप लघु शीत वगैरह किन गुणों से वात प्रकोप हो रहा है और फिर वात ज्वर को निर्माण कर रहा है, ये केवल व्यक्त होने से स्पष्ट हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हर लक्षण की एक संप्राप्ति होती है, तो सर बता करते थे बताया बताते थे कि ज्ञानार्थम यानी लिंगानी चोक्तानी व्याधि संग्रह व्याधय से तदात्वेतु लिंगानिष्ठानि नामया, ज्ञान के लिए जो लक्षण बताए गए हैं वो व्याधि ही है वास्तव में, जब ये रोग का प्रतिपादन करते हैं तब वो लिंगानिष्ठा नामया तब वो लिंग है अमय नहीं है रोग नहीं है। तो कौन सा लक्षण किस प्रकार से व्यक्त होगा और किस प्रकार के कारण सामग्री से वो उत्पन्न हुआ है उसके आधार पर उस लक्षण का व्यक्ति भाव निर्भर इस प्रकार का रहेगा। तो ये सोच समझ कर चिकित्सा करनी है। वैसे देखा जाए तो निदान पंचक से व्याधि का ज्ञान करने पहले भी काफी विस्तार से बताया गया है। तो कारण रूप निदान जो है उसके बारे में सोचकर ही उसके बारे में निर्णय इस प्रकार का करना है। ठीक है, रुकते हैं, सोमवार को चरक आगे बढ़ाएंगे और ये अगले गुरुवार को फिर से इसके बारे में कोशिश करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित ही शल्य तंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वत निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वांछन
पुनरपि भुवने नाच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि त्रिवारं ओरं ओंकार क्रियते ॐ शान्ति 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 ವಿರಮ್ಯತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಶ್ವ ಸೋಮವಾರ ಸರಿ ಶಾಲಾ